वो आया मेरे पास, वो आया मेरे पास और मुझसे बोला, सॉरी सॉरी क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया। सॉरी क्योंकि मैं जानता था कि मैं ही वो इकलौता शख्स हूँ जिससे तुम अपनी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात बताती हो, जिसके साथ तुम हंसती हो और जिसके कंधों पर अपना सर रख के रोती हो, फिर भी मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। सॉरी क्योंकि मैं उन रातों को भूल गया जब तुम सिर्फ मेरे लिए जगा करती थी, जब तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मैं जानता हूँ कि जो तुमने मेरे लिए करा है वो कोई किसी के लिए नहीं करता, फिर भी मैंने तुम्हें अपने कामों के लिए पीछे छोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, इसीलिए आई एम सॉरी। ऐसा नहीं है कि वो आया नहीं मेरे पास, वो आया और उसने माफ़ी भी मांगी। वो थोड़ा सा गिड़गिड़ाया और मुस्कुरा के चला गया। उसने एक बार ही नहीं, चार बार सॉरी बोला, पर क्या उसके चार बार सॉरी बोलने से मेरे चार साल का दुख मिट सकता था? क्या मैं उन चार सालों को भुला सकती थी? वो चार साल जो मैंने एक जवान बेटे होने के बावजूद भी इस ओल्ड एज होम में अकेले काटे, क्या वो चार सॉरी, उन 1400 रातों की कड़वी यादें मेरे जहन से निकाल सकते थे? नहीं, आज वो चार सॉरी मेरे किसी काम के नहीं है। वो चार सॉरी जो आज मेरे बेटे ने मुझे दिवाली के दिन दिए, वो बेटा जिसके लिए आज भी मेरे दिल में बेशुमार मोहब्बत है, वो बेटा जिसकी एक झलक देखने के लिए मैं चार साल से तड़प रही थी, वो बेटा जिसे आज तक मैंने प्यार के सिवाय और कुछ नहीं मांगा, वो बेटा आया मेरे पास। चार साल के बाद वो आया मेरे पास और उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने बोला, इट्स ओके बेटा।